press the bell icon on the YouTube app and never. हम लोग ही निकलते हैं तो हम अपने आप को ठीक नहीं करते, लेकिन दूसरे को कहते हैं कि तुम भी हम जैसा बन जाओ, ये क्या वजह है? ऐसा है मुजफ्फर भाई कि वो तो शुक्र है भगवान राम का कि मैं पाकिस्तान के चैनल्स पर बैठने लगी तो मैंने सारे पोल पट्टे भारत के खोले हैं, ठीक है। अदरवाइज पाकिस्तान में तो यही चर्चा आम पर रहता था कि अवेसी ने बोल दिया कि मुसलमान खतरे में है, तो मुसलमान तो भाई खतरे में है। अरे राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि मुसलमान बहुत सताए हुए हैं मोदी जी की सरकार में, तो मुसलमान तो बहुत सताए हुए हैं। वो तो सारे पोल पट्टे मैं प्रूफ के आधार पर खोल देती हूँ, तो अब पाकिस्तान भी कश्मकश में आ जाता है कि भाई ये तो सबूत के साथ बात कर रही है। कलकत्ता ममता बनर्जी के बहुत लाडले मंत्री हैं फरहाद हकीम साहब, बहुत लाडले, मतलब इतने लाडले हैं कि ममता बनर्जी साहिबा का बस चले तो अभी भी अपने आंचल में बांध करके उनको लेकर के घूमे। और ये वही फरहाद हकीम है जिनके इलेक्शन की कंपेनिंग के लिए पाकिस्तानी रिपोर्टर द डॉन की पश्चिम बंगाल आई थी उनकी इलेक्शन कंपेनिंग करने के लिए, और उन्होंने द डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान के नवाज शरीफ के काफी करीबी न्यूज़पेपर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का बड़ा ही बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो न सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि ये जो शांति दूत हैं इनको भी एक्सपोज करेंगे, और आप देखेंगे कैसे लाइव डिबेट में ये जिहादी नाजिया अली खान जी को गाली देते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये सारे सारे डिटेल्स नहीं देते हैं, सिर्फ खड़ा होकर के क्या बोलेगा साजिद रशीदी, हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। अच्छा वो तो अंग्रेजी भी नहीं जानता, हिजाब तो हमारे इस्लाम का हिस्सा है, हिजाब तो हमारे इस्लाम का हिस्सा है। अरे भैया हिजाब नकाब बुरका तो हमारे इस्लाम हमारे अलकुरान में लिखा हुआ नहीं है, जिलबाब है। और अच्छे घर की लड़कियां कभी भी रिवीलिंग कपड़े पहन करके मुआशरे में घूमेंगी ही नहीं, वो एक मखसूस जगह होती है जहां पर वैसे कपड़े इंसान पहन करके चला भी जाता है अपने दोस्तों के बीच में, अपनी फ्रेंड्स के बीच में। अदरवाइज मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हूं, मुझे तो कभी किसी ने नहीं देखा मेरा पूरा इंस्टाग्राम छान मारी है, मैंने तो नहीं पहना तो नहीं देखा। हाँ एक वक्त था जब मैं क्लास 9 में थी 10 में थी 11 में थी तो मैं भी पहनती थी, लेकिन उस वक्त बच्ची थी। लेकिन हमारे इस्लाम में तो 6 साल की बच्ची बच्ची भी नहीं होती है, वो तो औरत हो जाती है। तो भाई ये तो मुसलमान। वैसे आपने आज तक कभी नकाब किया, कभी बुरका पहना? आज तक आप भी मुसलमान है, आपकी वालिदा ने? मेरी मम्मी ने कभी नहीं पहना, मेरी दादी ने कभी नहीं पहना, मेरी नानी अम्मी ने कभी नहीं पहना, मेरी पर नानी अम्मी ने कभी नहीं पहना था, मेरी पर दादी अम्मी ने कभी नहीं पहना था। मेरी पर दादी अम्मी हायर सेकेंडरी पास थी। मेरी दादी अम्मी फारसी में अपने खतों किताबत खुद करती थी, क्योंकि मेरे दादा अबू रंगून में मरीन इंजीनियर थे, तो वो उर्दू और फारसी में खत लिख करके भेजा करती थी, क्योंकि मेरे दादा अबू मरीन इंजीनियर थे लेकिन रंगून में थे, तो जिसकी वजह से, और वो दिल्ली में रहा करती थी, तो जिसकी वजह से वो खतों किताबत उर्दू और फारसी में किया करती थी। इसकी बात है, देखिए आपके जो पेरेंट्स थे, आपके जो आबाओ अजदाद थे, वो तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए आप जैसी उनके फैमिली के अंदर एक ब्रॉड माइंडेड, एक दूसरों का दर्द रखने वाली एक बच्ची पैदा हुई। मैं ये समझता हूँ कि इसमें उनका ज्यादा किरदार है, आगे उनकी तरबियत है। अच्छा मैं यहाँ पर एक सवाल भी एक भाई ने पूछा कि कोलकाता के अंदर कोई मयूर फरहाद हामिद नामी एक कोई शख्स है, उसने बोला है कि जी नॉन मुस्लिम जो हैं वो बदनसीब हैं, उन सबको जो है इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। तो ये इस बात में क्या, क्यों वो अब ये इस तरफ लग गए हैं कि जी हमने सबको मुसलमान बनाना है? कहीं पर भी बात होती है तो इनका टारगेट यही होता है कि हमारे साथ जो भी बंदा बैठा है वो किसी भी रिलीजन का है तो उसको हम कोशिश करके मुसलमान बना ले। तो ये क्यों नहीं करते कि अपने अंदर ये इतनी ये इखलाकियात पैदा कर लें, इतनी अपने आप को अच्छा कर लें कि दूसरे इनसे मुतासर हों, इनसे बोले कि यार देखें कितना अच्छा इंसान है, ये मुसलमान है। तो हमारे अपने हरकतें देखें क्या है, वो पाकिस्तान हो, वो भारत हो, वो यूरोप हो, वो कहीं पर भी ये देखें, कोई भी
को गलत काम हो रहा, तो उसके पीछे हम लोग ही निकलते हैं। तो हम अपने आप को ठीक नहीं करते, लेकिन दूसरे को कहते हैं कि तुम भी हम जैसा बन जाओ, ये क्या वजह है? ऐसा है मुजफ्फर भाई कि वो तो शुक्र है भगवान राम का कि मैं पाकिस्तान के चैनल्स पर बैठने लगी तो मैंने सारे पोल पट्टे भारत के खोले हैं, ठीक है। अदरवाइज पाकिस्तान में तो यही चर्चाएं आम पर रहता था कि अवेसी ने बोल दिया कि मुसलमान खतरे में है, तो मुसलमान तो भाई खतरे में है। अरे राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि मुसलमान बहुत सताए हुए हैं मोदी जी की सरकार में, तो मुसलमान तो बहुत सताए हुए हैं। वो तो सारे पोल पट्टे मैं प्रूफ के आधार पर खोल देती हूँ, तो अब पाकिस्तान भी कश्मकश में आ जाता है कि भाई ये तो सबूत के साथ बात कर रही है। कलकत्ता ममता बनर्जी के बहुत लाडले मंत्री हैं फरहाद हकीम साहब, बहुत लाडले, मतलब इतने लाडले हैं कि ममता बनर्जी साहिबा का बस चले तो अभी भी अपने आंचल में बांध करके उनको लेकर के घूमे। और ये वही फरहाद हकीम है जिनके इलेक्शन की कंपेनिंग के लिए पाकिस्तानी रिपोर्टर द डॉन की पश्चिम बंगाल आई थी उनकी इलेक्शन कंपेनिंग करने के लिए, और उन्होंने द डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान के नवाज शरीफ के काफी करीबी न्यूज़पेपर को कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिया था। और उसके बाद फिर वो काफी मतलब चर्चा में रहे थे कि वो हमेशा एंटी नेशनल अपनी स्पीच देते ही है। 3 जुलाई को एक कुरानिक प्रतियोगिता थी, कुरान को लेकर के एक क्विज कंपटीशन था, तो उस क्विज कंपटीशन में फरहाद हकीम साहब जो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उनके लाडले मंत्री को बुलाया गया था वहां पर वीआईपी गेस्ट के तरीके से, वीवीआईपी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट के तरीके से, और चीफ स्पीकर भी थे वो। फिर उनको एक शॉल उड़ाया गया, और मैं थोड़ा वक्त लूंगी आपका, और शॉल उड़ा करके उनको काबा का एक वो दिया गया, रेहल नहीं रेहल, क्योंकि मैं अरबी जानती हूँ तो आप मैं और आप एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, रेहल दिया गया। और उस रेहल में ही एक बॉक्स बना हुआ था काबा का जिसमें अल कुरान था, और वो जब गिफ्ट उनको तोहफा मिला तो वो गिफ्ट उन्होंने अपना जूता पहना हुआ और बिना वजू किया हुआ एक सिक्योरिटी के हाथ में वो अल कुरान दे दिया। और भाषण वो दे रहा था कि जितने भी हिंदू हैं वो बदनसीब हैं और जो इस्लाम में पैदा हुए हैं वो खुशनसीब। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या बलात्कारी नासिर खान खुशनसीब है? क्या बलात्कारी खादिर खान खुशनसीब है? अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जावेद अहमद खान जो लल्लू पंजू को मतलब पालता पोसता है, उसमें एक लड़का है यामीन शकील, वो जो मासूम लड़कियां होती हैं उसके एरिया की, तोपसिया के एरिया की, काफी लड़कियों को ओयो रूम ले जाता है, उसके साथ सेक्स करता है, और उसके बाद फिर उस लड़कियों की शादी किसी और लड़के से हो जाती है, फिर उसको ब्लैकमेल करता है। आई हैव दैट प्रूफ। काफी लड़कियों को वो चिटिंगबाजी करता है और उससे पैसा लेता है, उसके वीडियोस बनाता है, उसके फोटोज लेता है और उसको ब्लैकमेल करता है यामिन शकील। और उसके अब्बू जान मोहम्मद शकील वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं, और उसकी अम्मी जान जो अम्मी है वो बेटे और बाप का हस्बैंड का चुराया हुआ घपलाबाज वाला पैसा समेट समेट करके रखती है और 5 वक्त नमाज पढ़ती है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने उस लड़के के ऊपर केस किया हुआ है, तो उसको जावेद अहमद खान जो ममता बनर्जी के वो विधायक है पार्टी के, उसको नेपाल भगवा दिया है, ठीक है। अब नया कानून इतना खूबसूरत है कि उसको हम लोग तो एक्सट्रेडिट करके काफी उसका ट्रेसिंग चल रहा है, उसको तो एक्सट्रेडिट करके लेकर आएंगे ही कमर में रस्सी बांध करके, और शक्ल देखिएगा तो बंदर में शर्मा जाए, बंदर में शर्मा जाए कि मेरे से भी अल्लाह माफ करे, मैं कभी जजमेंटल नहीं होती हूँ, उस यामिन शकील की शक्ल देखिएगा तो बंदर भी मुस्कुराएगा, बोलेगा तेरे से अच्छे तो हम है। सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरहाद हकीम साहब को इस बात की भी पुष्टिकरण करनी चाहिए कि बंगाल में जो 5 मुसलमान चर्च के अंदर एंटर करके 72 साल की नन का बलात्कार किए थे, क्या वो मुसलमान खुशनसीब है? 72 साल की नन का बलात्कार, तो क्या वो मुसलमान खुशनसीब है? आप 5 वक्त
आज मुझे ट्विटर पर बहुत सारे लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, गंदी गंदी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतनी बदतमीज और इतना फितना दिमाग में रख करके मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मैसेज यहाँ पर आया है, वो भी मैं अपने जो देखने वाले उनको यहाँ पर दिखा दूं और आपकी इस बात का सबूत यहाँ पर भी आ जाएगा। ये देखें, ये पढ़ें। जुबैर यकूब नामी कोई शख्स है, मुझे लगता है ये इंडिया का ही मुझे नाम लग रहा है, और आपको गाली दी इसने यहाँ पर, ना मैं बोल नहीं सकता कि जो आपको ये बोला इसने, तो ये आपकी बात का सबूत है। अच्छा मुजफ्फर भाई, अब आप बताएं कि इसी मुंह से ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता होगा, इसी मुंह से ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना पढ़ता होगा, इसी मुंह से ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ता होगा, इसी मुंह से ये कुरान की तमाम आयतें पढ़ता होगा, और इसी मुंह से ये अपने ही मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां लिख रहा है। जिस शहादत की उंगली को ये लोग अल कुरान पर रखता है, जिस पांचों दसों उंगलियों से हाथ से पकड़ करके अल कुरान को अपने हाथ में पकड़ करके पढ़ता है, उसी हाथ से टाइप करता है गंदी गंदी गाली। अब आप सोचिए कि ये कैसा मुस्लिम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िर अली खान जी का दमदार, बेबाक और एकदम दबंग इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने इन मजहब के ठेकेदारों से लेके ये जो शांति दूत और जिहादी हैं इनकी हरकतों को और इनकी जो सोच है उनको एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और जबरदस्त वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।